पूरी दुनिया को हेल्थ का ज्ञान देती है और खुद रिफाइंड ऑयल यूज कर रही है। देसी घी, ओ गॉड, सो मच फैट। वाह, भिंडी की सब्जी ऑलिव ऑयल में, इन मैडम को देखो जरा। सरसों का तेल, आई मीन रियली, पता भी है इसमें कितना यूरिक एसिड होता है। कोकोनट ऑयल, और जब पास्ता में से नारियल की खुशबू आएगी ना, तब पता चलेगा। तो क्या करूं मैं, कहां जाऊं? कभी सोचा है कि ऑयल एक ऐसी चीज है जिसे आप दिन में ऑलमोस्ट 3 बार तो यूज करते ही हो। किसी भी मील की प्रिपरेशन हो, एक चीज जो कॉमन है वो है ये ऑयल्स, यानी कि डाइटरी फैट्स। अब चाहे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो या फिर शुद्ध देसी घी, ये सिर्फ आपके खाने के ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपकी स्किन के ग्लो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन, सेल्स की ग्रोथ, इन सभी चीजों के लिए ऑयल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपका ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से ऑयल्स हेल्दी हैं। स्पेशली अगर किसी का वेट लूज करने जैसा कोई गोल है, फिर तो सही ऑयल की पहचान होनी और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज इस वीडियो में हम इस तेल के खेल को समझेंगे और फैट्स के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल द टाइप्स ऑफ ऑयल्स अवेलेबल इन द मार्केट, फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। सेकेंडली, हाउ टू चूज द बेस्ट ऑयल, डिफरेंट टाइप्स की कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल सही है। एंड थर्डली, the right way of using oils. So I am sure कि इस वीडियो के एंड तक आपको ऑयल्स के बारे में सारी क्लैरिटी मिल जाएगी और नेक्स्ट टाइम आप ग्रोसरी स्टोर में जाके कंफ्यूज नहीं होगे, सही ऑयल्स यूज करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाओगे। सबसे पहले हम रिफाइंड ऑयल्स की बात करेंगे, बिकॉज आई एम श्योर आपने सुना होगा कि रिफाइंड ऑयल्स हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं होते, पर फिर भी ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ऐसा क्यों है, सच क्या है? यू नो वॉट, रिफाइंड ऑयल्स की जो बेस्ट चीज है ना, वो है उनकी एड्स, यानी कि उनके मार्केटिंग कैंपेन्स। कोई कहता है दिल के लिए अच्छा है, कोई कहता है बिल के लिए अच्छा है, बट चाहे सनफ्लावर हो या सोयाबीन, राइस ब्रैन हो या कैनोला, रिफाइंड मींस रिफाइंड, रिफाइंड मींस रीडिफाइंड, मतलब कि इन ऑयल्स के टेक्सचर को, स्मेल को, प्रेजेंटेशन को, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, इनको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इनको हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस किया जाता है, जिससे इन ऑयल्स के अंदर के अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स भी किल हो जाते हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस में कई बार केमिकल सॉल्वेंट्स का भी यूज होता है, जिसकी वजह से इन ऑयल्स की शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाती है, बट हमारी लाइफ कम हो जाती है। और ये रिफाइनिंग प्रोसेस से बनाए गए ऑयल्स मशीन्स के थ्रू लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं, इसलिए ये मार्केट में इजीली और सस्ते में भी अवेलेबल होते हैं। तो प्रॉब्लम ऑयल्स में नहीं है, प्रॉब्लम इनके इंटेंस रिफाइनिंग प्रोसेस में है। इसलिए बेटर होगा कि हम रिफाइंड ऑयल्स की जगह पे फिल्टर्ड ऑयल्स यूज करें। अब ये फिल्टर्ड ऑयल्स क्या है, ये भी एक रिफाइनिंग प्रोसेस ही है, बट फिल्टरिंग कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर्स पे की जाती है, जिसकी वजह से ऑयल्स के न्यूट्रिएंट्स भी डिस्ट्रॉय नहीं होते और इसके अंदर टॉक्सिन्स भी क्रिएट नहीं होते। फिल्टर्ड ऑयल्स की न्यूट्रिएंट वैल्यू, जैसे कि बीटा कैरोटीन, विटामिन ई और मिनरल्स, रिफाइंड ऑयल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। और क्योंकि फिल्टर्ड ऑयल्स में से सिर्फ लार्ज पार्टिकल्स रिमूव किए जाते हैं, इसलिए दिखने में थोड़े ज्यादा क्लाउडी होते हैं। रिफाइंड ऑयल्स के कंपैरेटिवली इनका टेक्सचर, इनका कलर, इनकी फ्रेग्रेंस और भी ज्यादा क्लियर एंड डिफाइंड होती है। और क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती, सो इसलिए आप इसको स्टॉक करके नहीं रख सकते। अब हम बात करेंगे एक और कैटेगरी की, जो कि फिल्टर्ड ऑयल्स की भी बाप है। आई एम टॉकिंग अबाउट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। इसमें प्लांट्स के सीड्स को रूम टेम्परेचर पे ही मैकेनिकली प्रेस करके उसके अंदर से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बोलते हैं। दैट मींस ना ही इसके अंदर ऊपर से कुछ ऐड किया जाता है, ना ही निकाला जाता है। दिस इज वाई ये सबसे ज्यादा रियल एंड प्योर होते हैं। इसके अंदर मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी एकदम इंटैक्ट होते हैं, इसीलिए इनका कलर और इनकी फ्रेग्रेंस काफी स्ट्रांग होती है। और आपको पता है कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को ही एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं। एंड डू यू नो कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं कच्ची घनी। दैट मींस जो इंडिया में हम बरसों से कच्ची घनी तेल यूज कर रहे हैं, वो कोल्ड प्रेस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। और मार्केट में आपको ऑलमोस्ट सभी ऑयल्स के तीनों वेरिएंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि कोकोनट ऑयल में आपको रिफाइंड कोकोनट ऑयल भी मिलेगा, फिल्टर्ड कोकोनट ऑयल भी मिलेगा और एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी मिलेगा। इसी तरह सनफ्लावर, सेसमे, ग्राउंडनट, इन सारे ऑयल्स के ऑलमोस्ट तीनों वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं। अब ऐसा क्यों है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल तो इतना एक्सपेंसिव है, बट कच्ची घनी सरसों का तेल नॉर्मल प्राइसेस पे मिल जाता है? मतलब कि सेम कोल्ड प्रेस तरीके से बना हुआ ऑलिव ऑयल इतना महंगा है, बट सेम कोल्ड प्रेस तरीके से बना हुआ सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल,
नॉर्मल प्राइसेस पे अवेलेबल है. उसका सिंपल रीजन ये है कि ऑलिव्स इंडिया में नहीं प्रोड्यूस होते, बल्कि मस्टर्ड की प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में से इंडिया में सेकंड नंबर पे होती है. सो चाहे प्लांट बेस्ड ऑयल हो जैसे कि कोकोनट से इसमें मस्टर्ड, सोयाबीन, आमंड, या फिर एनिमल बेस्ड हो जैसे कि घी या फिर बटर, जिसकी प्रोडक्शन आपके रीजन में ज्यादा होती है वो कंपैरेटिवली आपके यहाँ पे चीपर मिलेगा. और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको रीजनल चीजों को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए. सो अगर आप ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं करते या नहीं खाना चाहते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू हैव अ वैरायटी ऑफ ऑयल्स टू चूज फ्रॉम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू चूज द राइट ऑयल. हम अपने खाने में किस तरह का ऑयल यूज करें, यहाँ पे मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहूंगी जो मैं खुद करती हूँ. मैं अपनी किचन में मल्टीपल ऑयल्स रखती हूँ, जैसे कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल यानी सेसमे ऑयल, देसी घी, मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल, और ये सभी ऑयल्स कोल्ड प्रेस्ड हैं या फिर फिल्टर्ड हैं. अब क्या बनाना है इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑयल यूज होगा. इंडियन डेलिकेसीज के लिए आई यूज देसी घी, नॉर्थ इंडियन खाने के लिए आई यूज मस्टर्ड ऑयल, सेसमे या फिर ऑलिव ऑयल, साउथ इंडियन के लिए आई यूज कोकोनट ऑयल, सैलेड्स के लिए आई यूज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और पराठे पे लगाने के लिए तो मक्खन. अब अगर आप सोच रहे हो कि इतनी सिरदर्दी कौन ले और क्यों ले, तो ऐसा करने के तीन रीजंस हैं. रीजन नंबर वन इज हर ऑयल को यूज करने का एक अपना तरीका है जो उनके स्मोकिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है. जैसे कि पैन फ्राइंग या फिर करीज बनाने के लिए ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल बेटर है. डीप फ्राइंग करना हो तो मस्टर्ड ऑयल या फिर घी ज्यादा बेटर है. और सैलेड की ड्रेसिंग या किसी भी तरीके की ड्रेसिंग के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही बेस्ट है. रीजन नंबर टू, ऐसा करने से खाने का ऑथेंटिक टेस्ट भी आता है और आपको सभी ऑयल्स के न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं. रीजन नंबर थ्री इज हर अच्छे ऑयल के जैसे कुछ बेनिफिट्स हैं, उसी तरह कुछ नुकसान भी हैं, इसलिए आप किसी भी पर्टिकुलर ऑयल का ओवर इंटेक नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल तिल का तेल यानी कि सेसमे ऑयल काफी गर्म होता है तो आप समर्स में ज्यादा यूज नहीं कर सकते. मस्टर्ड ऑयल में यूरिक एसिड काफी हाई होता है तो इसलिए उसको भी ओवर कंज्यूम करना हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है. देसी घी के इतने बेनिफिट्स होने के बाद भी वो सैचुरेटेड फैट में हाई होता है. सो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है बट देसी घी ज्यादा लेते हो तो इससे आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होकर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो सकता है, जिससे वेट बढ़ सकता है. इसलिए अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो आप भी मेरी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स को यूज करके अपने खाने में वैरायटी भी ऐड कर सकते हो और हर ऑयल के बेनिफिट्स को ले सकते हो. अब इतने सारे ऑयल्स खरीद तो लिए बट इनको यूज करने का सही तरीका क्या है, कितना यूज करें और कैसे यूज करें. एक चीज जो मैंने काफी नोटिस की है वो ये है कि हम खाने को टेस्टी बनाने के लिए उसमें खूब सारा ऑयल डालते हैं, कड़छी भर के ऑयल डालते हैं. बट यहाँ पे भी मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी जो मैं खुद करती हूँ. मैं सब्जी बनाने के लिए सिर्फ 2 से 3 स्पून ही ऑयल यूज करती हूँ और इससे बहुत अच्छे से खाना बन जाता है. ऑयल को कभी भी करछी से मत डालो, हमेशा स्पून से डालो. आप क्वांटिटी कंट्रोल करने के लिए ऑयल स्प्रे का भी यूज कर सकते हो. एंड आई बिलीव कि चीप रिफाइंड ऑयल्स को ज्यादा क्वांटिटी में खाने से बेटर है कि आप हाई क्वालिटी ऑयल्स को कम क्वांटिटी में लो. और इससे पहले कि डॉक्टर आपको बॉइल्ड खाना खाने को बोले, आप खुद ही अपने ऑयल की इनटेक को मिनिमाइज कर दो. दूसरी चीज, हम ऑयल को इतना गर्म करके उसके अंदर मसाले तब तक भूनते हैं जब तक पड़ोसियों तक खुशबू ना पहुंच जाए. इससे उस ऑयल के सारे न्यूट्रिएंट्स भी किल हो जाते हैं, ऑयल की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं और ऑक्सीडेशन की वजह से उसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे खाने के साथ मिलके हमारी बॉडी में जाते हैं. सो ऑयल को इतना भी हीट मत करो कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज ही डिस्ट्रॉय हो जाएं. मैं एक टिप आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. मेरे घर पे जब भी पराठे बनते हैं तो तवे पे बिल्कुल ऑयल नहीं यूज होता, बट बनने के बाद हम उसके ऊपर बटर ऐड करते हैं जिससे वो और ज्यादा स्वाद लगता है और भी ज्यादा हेल्दी होता है. अब बात करते हैं डीप फ्राइंग की, जिसके लिए आप कोकोनट ऑयल, देसी घी, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल ये सब यूज कर सकते हो. बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीप फ्राई करने के बाद आप उस ऑयल को रीयूज मत करो, क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल का कारण बनता है. अगर आप पैसा बचाने के लिए ऐसा करने का सोचो तो याद रखना कि जो बीमारियां वो क्रिएट करता है उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में ज्यादा पैसे खर्चने पड़ सकते हैं. मैं कोशिश करती हूँ कि डीप फ्राइंग की जगह जब भी पॉसिबल हो तो फूड को रोस्ट या फिर सौते या शैलो फ्राई करूँ. इससे ऑयल का यूज भी बहुत कम होता है एंड वेस्ट भी नहीं होता. मैं एयर फ्रायर का भी काफी यूज करती हूँ जिसमें बहुत सारी डिशेस बन जाती हैं, वो भी बिना किसी ऑयल के. अगर आप चाहते हो कि एयर फ्राइंग के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो मुझे कमेंट्स में बता देना. तो आप समझ गए होंगे कि सही ऑयल्स का यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है. और एक हेल्दी बॉडी के लिए सिर्फ सही ऑयल्स यानी कि फैट्स ही नहीं बल्कि सही कार्ब्स एंड प्रोटीन्स भी उतने ही जरूरी हैं. 3 मंथ्स में 20 kg वेट लूज करने के बाद मैंने डाइट प्लान की इंपॉर्टेंस को समझा और उसके बाद अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें कस्टमाइज डाइट प्लान ही नहीं बल्कि उसके साथ वर्कआउट प्लान और वीकली काउंसलिंग्स भी प्रोवाइड की जाती हैं. 24 hours व्हाट्सएप सपोर्ट के साथ मेरे सर्टिफाइड डाइटिशियंस लोगों को उनके फिटनेस गोल्स अचीव करवाने में दिन रात हेल्प करते हैं. एंड आई फील सो हैप्पी टू सी पीपल ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स अंडर दिस प्रोग्राम. अगर आप भी आई एम वाओ
प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहो तो उसके लिए मेरी वेबसाइट gunjanshouts.com पे जाके एनरोल कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। मेरे साथ पर्सनली जुड़ने के लिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिट रहो, हिट रहो।